मिटा करके हर एक व्यवधान मेरे शब्द बोलेंगे, मिटा आहा। करके हर एक व्यवधान मेरे शब्द बोलेंगे, कहाँ कब किस तरह दिन मान मेरे शब्द बोलेंगे, कहाँ कब किस तरह दिन मान मेरे शब्द बोलेंगे, ये नश्वर तन वतन के वास्ते चाहे चला जाए, मैं कविता हूँ मेरी पहचान मेरे शब्द बोलेंगे, क्या बात मैं है, क्या कविता बात है। हूँ हाँ हाँ मेरी पहचान शानदार। मेरे शब्द बोलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। चार पंक्तियां इसलिए भी कहना चाहती हूँ क्योंकि मैं कविता हूँ, इसलिए भी कहना चाहती हूँ कि धरती पे बस असत्य और पाप रहेगा, क्या महत्व है आप तक पहुंचा रही हूँ। जी धरती स्वागत। पे बस असत्य और पाप रहेगा, हंसता हुआ समाज सिर्फ दंश सहेगा, सच्चाइयों ने मुझसे सदा है यही कहा, कविता हुई जो मौन तो सच कौन कहेगा, कविता हुई बहुत जो मौन तो सच कौन अच्छा। कहेगा। और एक छंद पहुंचाना चाहती हूँ। रोज रोज ये जो घटनाएं हो रही हैं, हम सब बहुत इस बात से आहत हैं कि आखिर कब वो दिन आएगा जब बेटियां इन सारी परेशानियों से उभरकर विकास के एक मार्ग पर चलने के लिए अग्रसर हो सकेंगी, क्योंकि इन सब से निपटने में ही हम सब उलझ गए हैं। मैं पंक्तियां एक बात समर्पित है, कर रही हूँ, सुनिएगा। आपकी डिबेट में भी बहुत से लोग बैठते हैं और बहुत बड़ी बड़ी बिल्कुल बातें होती हैं। मैं चार पंक्तियां आप तक पहुंचा रही हूँ, यदि किसी को बुरा लगे तो मुझे क्षमा कीजिएगा, लेकिन जो सच्चाई है वो आप तक पहुंचा रही हूँ, सुने। स्वागत है। घर के करे ये काम फकत स्वामी भक्त हो, क्या सोचते हैं महिलाओं के बारे में, ठीक एक बात ये है, समाज क्या सोचता है, ये बात सत्य है, वो आप तक पहुंचा रही हूँ मैं आपसे आग्रह करूंगा कि जितनी मुखर आज आवाज निकल सकती है आज वो मैं निकले, आज आईना ही दिखाना है। बिल्कुल पूरा प्रयास करूंगी आप तक पहुंचा रही, सुने। घर के करे ये काम फकत स्वामी भक्त हो, घर के करे ये काम फकत स्वामी भक्त हो, इसके नसीब में न कभी ताज तख्त हो, इसके नसीब आहा में न कभी ताज तख्त हो, क्या पग बात है। पग पे प्रताड़ित किया समाज ने मगर, पग पग हाँ पे प्रताड़ित किया समाज ने मगर, भाषण में चंद शब्द है नारी सशक्त हो, क्या भाषण बात में है। चंद हाँ शब्द है नारी सशक्त हो।